माननीय प्रधानमंत्री जी और इस काशी के सांसद परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बयान आप सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत वंदन करती हूँ। मंच पर विराजमान जो मुझे पहचानती है उसके कारण आज मैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्री परिषद की सदस्य के रूप में आपके बीच यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं वाराणसी की जनता की आजीवन ऋणी रहूंगी। आज अगर डॉक्टर सोमेलाल पटेल जी के जाने के बाद हम अपना दल का विस्तार पूरे प्रदेश में कर पाए हैं तो ये सब कुछ आपके वाराणसी की जनता के शुभ आशीष से ही संभव हुआ है। इसलिए मैं जीवन भर आपकी कर्जदार रहूंगी। मैं आप सबसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आपने इतने वर्षों तक जिन दलों के बारे में ये सोचा कि वो पिछड़ों के रहनुमा है, दलितों के रहनुमा है, कमजोरों के लिए हक के लिए लड़ने वाले हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपनी बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत जो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें कई कई बार सौंपी उस ताकत के बावजूद भी पिछड़ों के, दलितों के, कमजोरों के हर सवाल पर वो खामोशी रहे। उन्होंने उन सवालों के साथ कभी न्याय नहीं किया, चाहे वो नीट की परीक्षा में एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन से पिछड़ों के आरक्षण को लागू करने का विषय हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बनाने का विषय हो, चाहे न्यायपालिका में कमजोरों की भागीदारी का विषय हो, या नौकरियों में वंचित वर्गों के दाखिलों को पूरा करने का विषय हो, या प्रतियोगी परीक्षाओं में किया है उनकी चिंता किसी ने की है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। अगर गरीब कल्याण की चिंता किसी ने की है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। अगर उत्तर प्रदेश के विकास की और देश के विकास की चिंता किसी ने की है तो